तो भाइयों, आज हम आपको उस शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको यूके की महारानी भी प्रणाम किया करती थी। उस शख्सियत का नाम था दिलजीत सिंह राणा, प्यार से इन्हें लॉर्ड राणा भी कहते थे। लॉर्ड राणा, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको लॉर्ड राणा क्यों कहते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 1999 ईस्वी में नॉर्थन आयरलैंड और यूके की जो विधानसभा होती है वहाँ के ये सदस्य रह चुके हैं, जब वहाँ के सदस्य रह चुके हैं इसीलिए इनको लॉर्ड राणा कहा जाता है, लॉर्ड्स से सदस्य रह चुके हैं जी। तो भाइयों, लॉर्ड राणा जी 1962 ईस्वी में चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर संगोल गांव में जन्मे थे और वहाँ पर अभी भी इनका ट्रस्ट चल रहा है। 1962 में इन्होंने अपना गांव छोड़कर वो वहाँ से निकल जाते हैं नॉर्थ आयरलैंड की तरफ। तो भाइयों, आज ये बेलफास्ट में रह रहे हैं और एक बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि इनके अभी 6 होटल, बड़े बड़े 6 होटल बेलफास्ट नॉर्थन आयरलैंड में चल रहे हैं, और इसके अलावा इनके बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके एंद्रास हाउस ग्रुप चल रहा है। इसके अलावा इनकी बहुत सारे ब्रांड हॉलीडे इन, अरमाडा, IVS और बहुत सारे सर्विस अपार्टमेंट इनके हैं, और इसके अलावा IT कंपनी से लेकर बहुत बड़े इनका प्रोजेक्ट है, और इनके अंडर 400 से 500 से ज़्यादा लोग इनके अंडर जो काम कर रहे हैं, और ये आज हजारों करोड़ों अरबों के मालिक हैं। तो भाइयों, इनकी जो फ़ोटो है बहुत सारे बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री चाहे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ खींचती है, क्योंकि नॉर्थन आयरलैंड में ये भारत के सबसे बड़े चेहरा के रूप में उभरे हैं। इनको राणा के साथ इनके लॉर्ड लगता है, लॉर्ड राणा कहा जाता है इनको, और इन्होंने दुल्ला भट्टी जैसे बब्बर शेरों का नाम रोशन किया है कि पंजाब की धरती हमेशा से राजपूतों की रही है, और ये एक दोध राजपूत है, राजपूत जो कि होशियारपुर और इसके अलावा नवांशहर और इसके अलावा कुछ हिमाचल के ऊना में भी रहते हैं, और ये चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर इनका गांव था, और इन्होंने बहुत सारे ट्रस्ट चलाए हैं। ये एक चंद्रवंशी राजपूत हैं और ये ज्वाला माता जी को पूजते हैं, ज्वाला माता जी का इन्होंने ट्रस्ट भी चलाया है और एक राणा ट्रस्ट चलाया है। दोध राजपूत अपने को राणा भी कहते हैं क्योंकि राणा एक गोत है जो राजपूत अपनी मर्जी से लगाते हैं, अप उपाधि है एक। तो भाइयों, इन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है क्षत्रियों का, जो हजारों करोड़ों के मालिक हैं, और आज भी राजपूती साफा के साथ ये पसंद करते हैं अपने आप को रॉयल्टी में रहना।